वो क्या है ना, मैं आई डोंट नो। रुको जरा, हमें मिल जाती कोबरा ने भाई। क्या हो गया यार, ये कौन सी गन है भाई? हमारा लकी जाम आया था भाई, लकी जाम आया था। मैं आई कम कोबरा हमारा। अबे हल्ला मत करो, रुको यार। अबे अरे और भयंकर, अरे भैया पूरे फिनिश भी। अबे ओ अरे ओ भाई ये क्या था? कब और गुस्सा क्यों हिला डाला ना? नहीं पानी मत मैं गाड़ी ठोक देता हूँ। चलो फायर रैली में पहुंचा यहाँ तक, और ये बंदे तो निकल रहे भाई। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। और कसम से उन बंदों ने, गाड़ी वालों ने मेरे पे शूट भी नहीं करा था। सारे गनशॉट्स यहीं से आए और मेरे को बहुत डाउट हो भाई इस बंदे पे। खड़े खड़े चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। अब इसको जैसे नॉक करते हुए अचानक से कॉन्फिडेंस आता है और भाई एक चांस दिखता है मेरे को मेरे सामने कि भाई मैं जोन में जा सकता हूँ अब। लेकिन रोज आते हैं इस उम्मीद पे आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। देख लो भाई। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय गाइस, कैसे आप सभी लोग? तो गाइस बढ़िया होंगे। तो गाइस आ चुका मैं एक और वीडियो लेके। तो गाइस बहुत सारे बंदे अभी यही सोचते होंगे ना भाई, हम अपने PUBG लाइट गेम को छोड़ दें, जो भाई नॉर्मल प्लेयर खेलता है, जो कि गाइस मेरी तरह खेलता है। एंड आपने स्टार्टिंग में जो क्लिप देखी PUBG लाइट के यूट्यूबर्स के, मतलब आपने देखा होगा भाई उनका भी हाल यही है। मतलब भाई फाइल वाले उनको जिंदा नहीं छोड़ते, और भाई हर मैच में भाई फाइल वाले भर के आ रहे। जैसे गाइस अभी एक स्क्वाड खेल रही है, मतलब भाई एनिमीज़ के स्क्वाड की बोल रहा हूँ मैं, उसमें भाई 3 बंदे तो फाइल वाले होंगे, एक नॉर्मल प्लेयर होगा जो कि उसकी औकात नहीं है कि वो भाई एक भी किल ले, क्योंकि भाई फाइल वाले एक भी किल नहीं करने देंगे स्क्वाड में। तो भाई मेरी तरह सोलो वर्सेस स्क्वाड की भी खेलना पड़ेगा भाई नॉर्मल बंदे की तरह। तो देखो गाइस सभी भाई नॉर्मल प्लेयर बहुत ज़्यादा जो बंदे खेलते हैं ना, वो भाई गेम को छोड़ चुके हैं। एंड भाई थोड़े बहुत खेलते होंगे 20% ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी तो भाई अपने जिन बंदों ने भाई फाइल लगा रखी थी, वो किसी एनिमीज़ को मारते तो फिर वो भाई फाइल वालों में चेंज हो जाते कि भाई फाइल अब मैं भी लगाऊंगा, अब बंदों को मैं भी मारूंगा। ऐसे ही इस वाली बात को सुनते भाई जो नॉर्मल प्लेयर है वो भाई ऐसे सोच रहे होंगे ना भाई, डेल्टा गुरु भी भाई फाइल लगा रहा होगा। तो मतलब भाई ऐसी बात नहीं है भाई, मैं मज़े से खेलता भाई नॉर्मल प्लेयर की तरह। मैं बंदों को मारूंगा तो मार लूँगा, अगर मेरे को वो मार देंगे तो भाई मैं दूसरा मैच स्टार्ट करूँगा। मतलब कि गाइस मज़े से खेलना। वैसे तो भाई 2 साल हो गए भाई गेम को बैन हुए, तो भाई दिन तो वैसे भी ख़राब ही चल रहे। तो भाई इन फाइल वालों ने क्या उखाड़ रखा, ज़्यादा से ज़्यादा वैसे हमको मारेंगे, हम दूसरा गेम स्टार्ट करेंगे, फिर से आ जाएंगे मैच में। तो यही चलता रहेगा भाई, अपने तो दिन वैसे भी ख़राब ही चल रहे, तो क्या ही सकते हैं इसमें। तो भाई मजे से खेलो अपने गेम को भाई, कुछ भी होता है भाई। इन फाइल वालों के अच्छे दिन चल रहे, तो भाई इनकी भी आइडिया बैन होगी। तुम रुको जरा, देखो गाइस यूट्यूबर्स भी ऐसे ही मरते हैं, तो भाई तुम भी जो नॉर्मल प्लेयर खेलते हैं वो भी भाई तुम भी ऐसे ही मरते होंगे गेम में अपने PUBG लाइट में भाई इन फाइल वालों से। तो भाई क्या जाता है भाई, हम दूसरा मैच स्टार्ट करेंगे, फिर से खेलेंगे भाई, इनके अच्छे दिन चलने दो, हमारे भी भाई अच्छे दिन आएंगे। तो बस उसी का इंतजार है। तो गाइस मैं आप लोगों के लिए भाई गेम प्ले तो नहीं लेके आया, बस छोटी छोटी कुछ क्लिप से भाई 1v4 की, तो भाई उनको देख के लास्ट तक जरूर देख के जाना। तो पहला 1v4 क्लच यहाँ पे देखो भाई, मैं यहाँ पे गाड़ी लेके आ जाता हूँ, तो बस देखो कैसे निपटाता है इनको। अब ये 1v4 तो क्लच हो चुका भाई। पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब तो बनता भाई। 100 के सब्सक्राइबर्स के हम नज़दीक है। तो गैस आपको दूसरे मैच की तरफ लेके चलता हूँ। तो भाई मैं उतरा होता भाई फैक्ट्री पे और यहाँ पे भाई बंदे भी आए होते हैं और नीचे की तरफ भी भाई मेरे को VSS मिल जाती है और नीचे बंदा अब इसको तो भाई पूरा फिनिश कर दिया मैंने। इसका दूसरा टीममेट भाई ऊपर की तरफ होता है तो भाई उसको भी निपटाना पड़ेगा। तो चलते हैं। अब इसकी भी भाई पेटी बना दी। तो इसका तीसरा टीममेट भाई मैं नीचे की तरफ आता हूँ, भागा भागा और यहाँ पे होता है एक और बंदा। अब यहाँ पर भाई मेरी UG रिलोड पे आ जाती है तो भाई S12 से निपटाना पड़ता है। तो इसकी तो पेटी बना दी। तो भाई मैं गाड़ी उठा के आ जाता भाई इधर की तरफ। यहाँ पे भाई एक बंदा मिलता मुझे। अब ये वाला बंदा भी भाई अकेला ही होता है तो भाई इसकी भी पेठी बना दी। तो भाई मेरा थोड़ा तबीयत ख़राब है तो इसीलिए भाई आवाज़ अच्छा नहीं आ रहा होगा आपको। तो भाई मैं अगले मैच में आ जाता हूँ स्टेडियम में और यहाँ पर भी भाई एक टीम आई हुई होती है। तो बस देखो कैसे निपटाता हूँ।